इसलिए थोड़ा प्रयास कीजिए, क्योंकि मनुष्य जन्म एक महाराज जी आए। आइए महाराज इधर बैठिए, महाराज का नाम ले दिया, जय श्री राधे। आपके दो शब्द सुनाइए महाराज। अपना अपना पूरा सीधा राज कुछ जा रहे हैं, जहाँ जा रहे जा रहे है ना। इसलिए भाई आप लोग, गुरु जी ने यहाँ मठ बनाया है, आप लोगों ने देखा होगा कितनी 1990 साल उम्र में भी इतना मेहनत करके है ना, युवक के तरफ उन्होंने सेवा किया, सेवा करके ये सब मठ मंदिर बनाया है। किस लिए बनाया? आप लोग आएंगे और हरी कथा सुनेंगे, भक्ति करेंगे। साधु महात्मा का यही उद्देश्य होता है, दूसरा होता है महाराज जी समय तो है महाराज जी कुछ मुखांजलि करेंगे, आप सुनिएगा। हरे परमहंस महाराज जैसे उगी बेर चढ़ गए। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। और सब जोर जोर से बोलो, ये अधिक महीना है ना, जो एक बार नाम करेगा उसको 100 बार नाम करने का मतलब। जोर से बोलो, बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोल श्री राधा रमण लाल की जय, बोल श्री गुरुपाद पद्म की जय, जय श्री राम। देखो लगता है आप लोग कभी कभी एकादशी में आप लोग आते हैं, आते हैं ना हर एकादशी में, आते हो कि नहीं? कौन कौन आते हाथ उठाओ, आते हो हर एकादशी? अरे उठा दे हाथ, उठा दे एकादशी में सब आते हैं ना। देखो हम एकादशी में तो आते हैं, लेकिन उसका कुछ रंग भी चढ़नी चाहिए है ना। ऐसे नहीं आए और कथा को कथा सुनी और कथा छोड़ कर यहीं चले गए। यहाँ आने का देखो एक समय क्या हुआ, एक व्यक्ति रोज कथा करने जाता था, अभी नई नई शादी हुई, घर में पंडित्याणी भी आई, लेकिन पंडित्याणी उसने बोले आप रोज मैंने सुना आप बड़ी प्यारी प्यारी कथा सुनाते हो। बोला हाँ। बोले मेरे को भी बीच बीच में ले जाया। बोले तो पंडित्याणी तेरे में जाने का क्या जरूरत है? तो पंडित्याणी तेरे में जाने का कोई जरूरत नहीं, वो चाहती थी नहीं कभी कभी तो मेरे को ले जाया करो, अभी आ गई एकादशी तिथि, बोले कम से कम आज कल ले जाया करो, आज एकादशी तिथि है, आज कल ले जाया करो। वो कब पीछे पड़ गई? बोले ठीक है, जब पीछे पड़ गई फिर चलो चलो। पंडित जी आए और एकादशी की कथा उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी एकादशी की कथा सुनाई। बोले देखो जितने व्रतों में सबसे जो बड़ी व्रत की एकादशी व्रत है, इसलिए भागवत में और कोई बाहर व्रत का नाम नहीं आता है, केवल एकादशी की कथा भागवत में आती है। इसलिए पुराण में बताया ये पृथ्वी में जितने सारे व्रत का फल को इकट्ठे कर लो, एक तराजू लो, तराजू के एक तरफ में धर दो सारे दूसरे दूसरे जितने व्रत है, और एकादशी व्रत का कथा तराजू के दूसरे तरफ में धर दोगे, देखोगे एकादशी व्रत का फल ज्यादा पला भारी पड़ेगा। इसलिए एकादशी में कल सुना रहे थे ना, एकादशी में जो कुछ मांगो, एक का नाम पुत्रदा एकादशी, एक नाम अन्नदा एकादशी, एक का नाम पाप मोचनी, एक का नाम मोक्षदा, हाँ एक का नाम है ऐसे, आप देखते इंदिरा एकादशी, सभी एकादशी का अलग अलग फल, जैसे दूसरे दूसरे व्रत का व्रत करते होंगे सोम मंगल बुध, उसका केवल एक फल मिलेगा, दो फल नहीं होगा। लेकिन एकादशी ये ऐसे एक व्रत है, आप जो कुछ मांगोगे एकादशी से एकादशी हो ही देता है। इसलिए एकादशी को बताया ये कल्पतरु व्रत है, कल्पतरु मतलब होता है जो मांगो एकादशी से अब वही मिलेगा। पंडित जी बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुनाए,
हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुनाई। बोले एकादशी व्रत में इतने महिमा हैं, स्वयं दुर्गाशाह जी जब एकादशी व्रत अंबर से महाराज करते थे, जब द्वादश का दिन आए, बोले संतों को खिला करके एकादशी व्रत खोलना बड़ा अच्छा है और भाग्य है। लेकिन बोले स्नान करने के लिए जा रहे हैं, देर हो गया, तो इन्होंने ब्राह्मण का परामर्श से थोड़ा उन्होंने व्रत खोल लिया पानी पी कर। दुर्गाशाह जी को पता चला तो उसने रोधी तो हो गए, जटा उखाड़ करके फटक दिया, वहाँ से एक राक्षस प्रकट हो गए, मार दे इसको। साधु का निमंत्रण दे करके गृहस्थी होकर के साधु को खिलाए और अपनी खुद खा दी। इतने में सुदर्शन चक्र स्वयं प्रकट हो गया, क्यों? अंबरीश महाराज भगवान के वैकाल्पिक भक्त थे और उसने तृतीया को मारा है, दुर्गाशाह जी को पीछे भगा। दुर्गाशाह जी को अब शंकर जी का बता, ब्रह्मा जी को पास में गए, रक्षा नहीं किया, शंकर जी को पास में गए, रक्षा नहीं किया, विष्णु को पास में गई, कोई रक्षा नहीं की। लास्ट में फिर अंबरीश के चरणों को गिरना पड़ा। इसलिए उन्होंने एकादशी की इतने महिमा उन्होंने बताए, इतने महिमा बताए एकादशी को। एकादशी का दिन अन्न खाने से गोहत्या, नरहत्या, ब्रह्महत्या, भ्रूहत्या, पिता माता हत्या, सब हत्या एकादशी। पंडित यानी सोची भैया, पंडित जी इतनी प्यारी प्यारी कथा सुनाते, हमें पता नहीं था एकादशी की इतने महिमा। इतने में पंडित यानी कथा सुन करके आ गई, आकर के बोले एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करनी चाहिए, उनने फलाहार भोजन हो गया है। जब पंडित जी आए सामने धरते, बोले ये क्या तूने आज हलवा नहीं बनाया, पूरी आलू की सब्जी तुमने नहीं बनाया टमाटर डाल करके, हैं ये क्या तुमने बना दी? बोले क्यों पंडित जी, आप तो कथा कर रहे थे एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करनी चाहिए, और अन्न में गोहत्या, नरहत्या, ब्रह्महत्या, सारे पाप रहता है, आप ही तो बता रहे थे, और एकादशी जैसे व्रत और कोई व्रत है हो ही नहीं सकता, आप ही तो बता रहे थे। बोले इसलिए तो मैं तेरे को नहीं ले जाता, मैं इतना दिन से मैं खुद कथा करता हूँ, जब कथा करके मंदिर से निकालता हूँ ना, अपना पल्लू को वहीं पर झाड़ कर खा जाता हूँ, सारी कथा को वहीं पर मैं रख कर खा जाता हूँ, और तुम तो एक दिन गए तो इतनी सारी बात लेकर के आ गई, इतने सारी बात एक साथ में तुम्हें लेकर के आ गई, इसलिए तो तेरे को मैं नहीं ले जाता। देखो इसका मतलब है कथा सुनने के लिए आते, इसका कुछ हमारे ऊपर रंग भी चढ़नी चाहिए। बोले क्या रंग चढ़नी चाहिए? कम से कम तीन रंग तो यहाँ से चढ़ने चाहिए। बोले पहला नंबर है गले में तुलसी की कंठी, क्या हो गले में तुलसी की कंठी। दूसरे नंबर तिलक हो, और तीसरे नंबर हाथ में माला की चोली। जैसे एक पतिव्रता नारी जब पति को सामने जाती है, जब वो सुंदर श्रृंगार करके जाती है ना, पति बड़े खुश हो जाते, बड़े प्रसन्न। अगर सुंदर मान भरा हुआ हो, सिंदूर लगाया है, मंगल सूत्र पहनी है, हैं अपना शंखा सिंदूर पहन, जब पति को सामने जाती है ना, पति बड़े प्रसन्न हो जाते, देखो मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। लेकिन पति तुम्हारी जिंदा है, लेकिन जिंदा रहते रहते तुमने एकदम सफ़ेद कपड़ा पहन लो, सारे सधवा का चिन्ह को उतार लो और पति को सामने जाओ, अब बताओ पति खुश होगा कि नहीं, बताओ पति खुश होगा कि नहीं, बताओ खुश होगा? बोले मैं जिंदा रहते रहते तुमने मेरे खत्म कर डाली, अभी मैं जिंदा हूँ, हैं अभी मैं जिंदा हूँ। क्या तो उसी तरह जब हम श्री ठाकुर जी को सामने जाते हैं, अगर ठाकुर जी अगर तीन चीज अगर हमारे शरीर में देखे ना, ठाकुर जी अपने आप हमें स्वीकार कर, हमें बोलने का जरूरत नहीं, मैं तेरा और तू मेरा, ये चीज बोलने का कोई जरूरत नहीं, भगवान समझते ये तेरी है। अगर ये तीन चीज नहीं होना, जितने मेरा तेरा बोल दो, ठाकुर जी एकदम स्वीकार नहीं कर, ठाकुर जी एकदम तुम्हें स्वीकार रिजेक्ट करके बोल जा, मेरे से तुम्हारी कोई मतलब नहीं, तुम्हारे अंदर में क्या चिन्ह है तुम जो मेरे को मानते हो, क्या चिन्ह तुम्हारे अंदर शरीर में क्या चिन्ह है? दुनिया के पति के लिए कितने हम मांग भर दिए, सिंदूर मंगल सूत्र पहले कहते ना, ऐसे बर को क्या करे जो जन्मे और मर जाए, बर बरी और गोपाल जुसो दो जुगल अमर हो जाए। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन।
श्याम सुंदर का दुल्हन बनना चाहती थी बताओ, कौन बनना चाहती था? कृष्ण की कन्या की दुल्हन बनना चाहती है। अगर बनना चाहते पहले क्या करो, गले में तुलसी की कंठी पहनो, ठीक है, फिर तिलक लगाओ और ये माला। इसलिए मैं कल बता रहा था ना, अगर विदेश जाना चाहते हो तीन चीज की जरूरत है। क्या क्या बताओ तो, मैंने कल क्या बताया था, तीन चीज क्या क्या जरूरत है विदेश जाना था, किसको याद है बोलो, कथा में ठीक नहीं, क्या क्या मैंने कहा था, कौन कौन कल कथा में थे, शाम को बताओ कौन कौन थे, शाम को कथा में कौन कौन थे, हाथ उठाओ, कोई नहीं थे कथा में, आप लोग कोई कथा में थे नहीं? कल शाम को कथा में कौन कौन थे? एक दो तीन बस। आप लोग कोई नहीं थे कथा में, क्यों नहीं थे? अभी भागवत कथा हो रही है पुरुषोत्तम महीना में, इससे बड़ा पुण्य कुछ है नहीं, इसलिए आज जरूर आना, ठीक है ना, आज जरूर कथा में आना। आज राधा रानी जन्म लेगी, कृष्ण की जन्मोत्सव होगा, इसलिए सबके सब शाम को 5 बजे आ जाना, ठीक है, और इसी महीना में भागवत कथा सुनने का बड़ा एकादशी भी है, और आज एकादशी, उसमें तो फिर 4 चांद लग जाएगी, फिर उसमें 4 चांद लग जाएगी उसमें, ठीक है ना, सब के सब आना, ठीक है। इसलिए पहला नंबर पासपोर्ट चाहिए विदेश जाने के लिए, दूसरा नंबर वीजा, तीसरा नंबर है टिकट। कभी भैया ये पासपोर्ट क्या, बोले मैं तुलसी की कंठी, अगर तुलसी की कंठी नहीं होना आप कभी भगवत धाम को नहीं जा सकते। इसलिए जब महाराज भूतों को कहते हैं जो भक्ति नहीं करते मेरे पास में ले आना, बोले पता कहीं चलेगा, तो उन्हें बोले दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ता गले में पट्टा लगा हुआ है देखने से पता चलता भाई किसी घर के कुत्ते, और जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे के जो रोड रोड कुत्ते देखना, पालतू को कोई मारते नहीं और फालतू को छोड़ते, पालतू को कोई मारता नहीं फालतू को छोड़ते। इसलिए गले में तुलसी कटी मतलब है हम किसकी पालतू है, इसलिए सबके सब तुलसी में कटी पहनना, ठीक है ना। और दूसरी चीज है तिलक लगानी चाहिए, हाँ तिलक की बहुत जरूरत है, अब भगवान कृष्ण को तो तिलक लगे, राम को तो तिलक, नारायण को तो तिलक, ठीक है ना, सबको सब तिलक लगानी चाहिए, बगैर तिलक के ये ललाट का शमशान बताया गया है, इसलिए ये गोपियों की चरण धूली इसमें लगाने से भक्ति होती है, ठाकुर चरण में प्रेम करती है, ठीक है ना, सबसे सब तिलक लगाना, तिलक बहुत अच्छे। और जो तीसरी नंबर है माला, पास में माला रखनी चाहिए, माला कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि दुनिया भले ही छूट जाएगी लेकिन छूटेगा तुम नहीं छोड़ते, पर दुनिया तुमको छोड़ देगी, लेकिन भगवान का नाम फिर कोई नहीं छूटेगा, ठाकुर जी की नाम कभी नहीं छूटेगा। इसलिए अंतिम समय जब शरीर छूटता है वो जो कदे पर 4 पीठ ले जाएगी, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, बोलते ना राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य वाल व्यक्ति है सब बर्बाद हो गया, यही बोलते हैं ना, कहते बेटा जितने प्रभु का नाम लिया तुम्हारे साथ वही जा रहा है, और जो कुछ क्या तुमने छूटे हुए बिताए यहाँ से एक सुई धागा भी तुम्हारे साथ में नहीं जा रहा, ठीक है ना। ये तीन चीज जरूर जीवन में, ये तीन चीज को जरूर ग्रहण करनी चाहिए, पासपोर्ट वीजा और टिकट, टिकट भगवान के नाम में टिकट है, इसलिए बिजा कहती है पायो जी मैंने राम रक्षण कर पाया, ठीक है ना, सब सब गला में कटी पहन लेना, ठीक है, और माला है कि नहीं सामने जो बैठे माला नहीं है सबके सब, अभी अभी कथा के बाद में प्याज लहसुन खाते हो सबके सब कि छोड़ दिए, छेड़ दिए, हाँ देखो जो प्याज लहसुन छोड़ देते हैं ना फिर तो तुलसी माला में जप कर सकते हैं, फिर गले में कटी पहन सकते हो, अगर प्याज लहसुन खाते हो गल में तुलसी कटी नहीं पहन सकते हैं, आप माला जप कर सकते हो, आप नीम की माला लेकर जप करना, नीम माला ले, और धीरे 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 कोशिश करना जैसे प्याज लहसुन छूट जाए, और जो कुछ खाए ठाकुर जी को भोग लगा के खा, भोग लगाते कि नहीं ठाकुर जी को, कौन कौन भोग लगाते ठाकुर जी को, सब भोग लगाते, देखो प्याज लहसुन खाते तो भोग नहीं लगाते, इसलिए कोशिश करना प्याज लहसुन, हाँ प्याज लहसुन खाओ तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते, इसलिए कोशिश करना जैसे प्याज लहसुन जैसे छूट जाए, ठीक है ना। नवरात्रि रखते हो, कौन कौन नवरात्रि रखते हो, सबके सब रखते हो, 9 दिन तक कोई प्याज लहसुन खाते हो, नहीं खाते, बोले क्यों, बोले गंदी चीज़ ये,
गति जी थी, इसलिए हम नवरात्रि में ये प्याज लहसुन को नहीं खाते, ठीक है ना। जिसकी इच्छा होगी हम महाजप करेंगे, आज पुरुषोत्तम महीना और एकादशी ये बहुत अच्छी तिथि है, जिसको इच्छा होगी हम महाजप करेंगे। जब कीर्तन होगा ना, कीर्तन के बाद आ जाना, हम सबके एक एक माला दे देंगे, है पहले नीम की माला लेना, ठीक है, नीम की माला, और जो प्याज लहसुन छोड़ दिए हो खाते नहीं, फिर तुलसी माला गले में तुलसी माला पहन सकते हो और तुलसी माला में जप कर सकते, ठीक है, ठीक है ना। इसलिए जिसकी इच्छा होगी कभी कीर्तन होगी, कीर्तन के बाद में आ जाना और एक दिन माला ले लेना, ठीक है, ठीक है। कौन कौन लेगा बताओ, एक भैया ना जी, अब और कौन लेगा, और कौन लेगा, ठीक है, ठीक है। अभी कथा के बाद में आ जाना, ठीक है, कथा के बाद में मैं एक ऊपर रहूँगा ऐसा, अभी अखन अभी आरती होगी, सब के सब खड़े हो जाओ, कभी ठाकुर जी आरती होगी।